सलाम अलैकुम मेरी दिल भर मेरी जानी। और वो जो फिल्मों में आने वाला शान है ना, ये शान जी ये सलाम अलैकुम कहता है गोली शायद से गुजर जाती है, शान को नहीं कोई मार सकता भाई, शान लोहे का बना हुआ है। आज मैं ना वो वाली जिसमें जी बोला मैं बोला घोड़े के ऊपर बैठ के जा रहा है, दासी डाकू पीछे आ रही है, डिशुम 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 पीछे से मुमताज बेगम डोली में से पलटा निकाल के कहती है बोले आई लव यू। वो वाली। This video is sponsored by Joxy Jam Sports. Ergonomic design, Bluetooth 5.0, 100 plus hour battery life, long press to screen calls, single tap for play and pause, long press for volume control, water resistant to IP66, double tap for track control, pocket size and charging case. If you are even a little bit interested in this device, you can go in the description below, can go through the campaign page of Indiegogo and buy the device or overview it. Assalamu alaikum Bola ji. जी सलाम अलैकुम। लाइफ ना लाइफ बस इतना समझ लो मैं हूँ और मेरे शॉट भी मैं हूँ। हाँ जी हाँ जी बस इतना समझ लो। नहीं 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 मेरी जो मुमताज बेगम है ना, मुमताज बेगम वो है ना मेरे शॉट, मुमताज बेगम मेरी दिल भर मेरी जानी, मेरी आशिकी मुमताज बेगम, मेरी मुमताज बेगम, मुमताज बेगम है जी मेरे शॉट। हाँ जी मैंने ना अपने अम्मा के कड़े यार, सोने के कड़े, सोने के कड़े, वो अपनी मुमताज बेगम को जो है ना तोहफे में दिए थे। बोला जी मैंने ये सुना है कि आपको मूवीज बहुत पसंद हैं, तो कौन सी मूवी आपको पसंद है? फिल्में बोले को बड़ी पहचान है, बोले को फिल्में दिखाते रो रोटी रख लो, बोले को वही फर्क नहीं पड़ता। और वो जो फिल्मों में आने वाला शान है ना, ये शान जी ये हाँ जी शान वो उसकी फिल्म है ना, फिल्म जिसमें गोलियां मारता, गोलियां एक गोली से 10 बंदे मार देता, 10 बंदे मिल के शान को मारते, शान को कुछ भी नहीं होता, शान ऐसे खड़ा हुआ नमाज पढ़ता है सलाम अलैकुम कहता है गोली शायद से गुजर जाती है, शान को नहीं कोई मार सकता भाई, शान लोहे का बना हुआ है। हाँ जी शान लोहे का बना हुआ है, शान लोहे का बना हुआ है जी। हाँ जी सलामुअलैकुम कहता गोली शायद से गुजर जाती है। अच्छा चलो मैंने ये वो मूवी नहीं देखी हुई। भोला जी मुझे लगता है कि लोग आपको पसंद करते हैं, आपका ड्रामा बहुत पसंद करते हैं, आपको लोग देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो अगर आपको मूवी करनी पड़े तो कौन सी मूवी करोगे और किसके साथ मूवी करोगे? मैं जी जी आप आपकी बात कर रहा हूँ। मैं ना वो वाली मूवी करूंगा, वो वाली। वो कौन सी? वो वाली मूवी का नाम वो है। वो वाली मूवी का नाम कैसे होगा जब वो मूवी में कोई है नहीं। वो वाली जिसमें जी बोला मैं बोला घोड़े के ऊपर बैठ के जा रहा है, दासी डाकू पीछे आ रही है, डिशुम 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 पीछे से मुमताज बेगम डोली में से पलटा निकाल के कहती है बोले आई लव यू। वो वाली मूवी। बोला जी आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपने हेयर स्टाइल बनाया हुआ, आगे आगे बाल रखे हुए हैं, तो ऐसा क्यों है? आजकल तो बड़े स्टाइल हैं, आप जरा जेल लगाया करें और अपना जो बालों का स्टाइल है वो बनाया करें। तुझे कोई मसला है? मसला है तुझे कोई? अपने बाल देखे तूने? ये तेरे बाल है, अपने बाल नहीं देखता तू? अब तो बोला जी गुस्सा ही कर गए हो। तो गुस्सा क्यों ना करूं? अपने बाल देख तू, अपने बाल देख, जैसे जैसे मेरी जलील जू है ना वैसे वैसे तेरे बाल है। मीशना नोट मेरे बालों को कहते हैं फैशन नहीं है। जलील जुओं वाला चिट्टी शर्ट वाला मीशना, चिट्टी शर्ट वाला मीशना। अच्छा बोला जी आप मुझे ये बताया कि मेरा हेयर स्टाइल आपको कैसा लगा, मतलब कि जो मेरा हेयर स्टाइल है आपको कैसा लगा? तेरा हेयर स्टाइल ना बिल्कुल बड मजा, बड जायका तेरा हेयर स्टाइल है, बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे। हाँ क्या करें अब भाई, क्या करें, बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे। मुझे नहीं पसंद आया तेरा हेयर स्टाइल। बोला जी मैं खुद आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो आप मुझे कोई अपने फेमस डायलॉग सुनाएंगे? मैं सुनाऊंगा। पहला लिख लो,
हाँ पहले पहले लिखो मैं हूँ और मेरे शर्ट भी मैं हूँ। ये ना मैं बस के अंदर जा रहा ना बस वाला कट्टा, मैंने बस वाले से मांगी दो दो टिकटें दे, मैंने कहा दो 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 टिकटें दे दो 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 टिकटों का कार्ड। हाँ जी वो आगे से कट्टा कौन है तेरी शर्ट, मैंने कहा मैं हूँ और मेरे शर्ट भी मैं हूँ। तो फिर बस वाले ने क्या कहा? बस वाला कट्टा पता नहीं पागल शायद, मैं पागल नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ पागल। हाँ जी बस वाला पागल मीना मीना था। हाँ जी फिर एक माई आई, वो बहाने से जवान लड़के को हाथ लगाया उसने। अच्छा। मुझे मैं बोले को। अच्छा तुम्हें हाथ लगाया? मुझे उसने हाथ लगाया, मैंने उसे कहा माई बहाने से जवान लड़के को हाथ लगाती है, नियत खराब हो रही है तेरी, नियत खराब हो रही है। मैंने फिर दुआ मांगी लहूला वला कुआटा या ला मामा माई से बचा ले आमीर। फिर माई चली गई गुस्सा होके। दूसरा डायलॉग माई माई दूसरा लिख लो आप। आए 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 मजे, आए 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 मजे। ये वाला जो डायलॉग है ना, डायलॉग बड़ा बड़ा प्यारा डायलॉग है, मजे क्योंकि इस डायलॉग में मजे है ना, मजे इस वजह से ये मजे का डायलॉग है। तीसरा डायलॉग उसके बाद तीसरा लिख लो तीसरा। मैं वाला सुनोगे? सुनूंगा जो आप सुनाएंगे मैं सुनूंगा। मेरी डूलन मेरे से पूछती है, बोले तेरे शर में जू है? मैंने कहा हाँ जी जू है हमारे शर में। अच्छा। बड़ी जलील किस्म की जू है। अच्छा। टंग निकलती, लेकिन जब गर्मी आती है ना ये टंग अल्लाह करे जन्म में शरीर टटर करके मर जाए, टटर करके मर जाए। फिर ये वाला के चौथा डायलॉग उसके बाद। हाँ जी एक ना मैंने ऐसे आया था, मैं मेरी जुलन झूठ बोली बोल रही, झूठ बोली थी। मैंने उसे कहा क्या मट वाले दिन टिक्कों वाली सीके होती है ना, टिक्कों वाली सीके जी ये आग में जला कर तेरी जुबान पे लगाएंगे ना, फिर छट्टी नहीं तू नाश्ती नहीं तू उधर, फिर झूठी मीशनी झूठी मीशनी। मैंने उसे बताया कि क्या मट वाले दिन तेरी जुबान पे जो है ना टिक्कों वाली सीखे लगाएंगे। हाँ जी और एक मैंने आपका डायलॉग सुना है पकोड़ों वाला, तो वो वाला क्या डायलॉग है? पकोड़ों मैंने अपनी डूलन चबाक के चला गया, इतना भागा शांस चढ़ गया। मेरे पकोड़ों वाले कहा भाई पकोड़े वाले 20 रुपए के पकोड़े खिला दे। पकोड़े वाला कहता मैं नहीं देता पैसों के बगैर, मैं क्या पैसों के बगैर नहीं देता किसी के बच्चे को 20 रुपए के पकोड़े, भूख लगी हो तो। एक्टिंग मेरा सिर्फ शौक ही नहीं है, सिर्फ मेरा पैशन है। एक्टिंग मेरा शौक ही नहीं है, मेरा पैशन भी है। तो आगे मुझे लगता है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे, करें मुझे कमेंट्स के थ्रू अप्रिशिएट करें। अपना जो ओपिनियन है वो कमेंट्स में बताएं कि आपको एक्टिंग कैसी लगी, और जो भी आपकी फीलिंग्स हैं वो आप कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और फर्दर अपनी ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन और अपनी फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी बता दें। अच्छा तो मेरा नाम सुफियान है, और इंस्टाग्राम के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं सुफियान साबरी के नाम से, SAFINSABRI साबरी। और फेसबुक पे भी यही है सुफियान साबरी 131@gmail.com। और फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो आईडी है उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके फॉलो कर सकते हैं। और आपने इस वीडियो को जितना अप्रिशिएट करना है आपने कमेंट्स के थ्रू बताना कि पाकिस्तानी कौम सच को और हक को कैसे उठाती है, और शेयर करके भी शेयर करना है आपने, और कमेंट्स के अंदर बताना है, अप्रिशिएट करना है। तो ये तो आपके सामने एक छोटा सा जिसे कहते हैं ना, ये तो अभी ट्रेलर था, फिल्म तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। तो आगे हम आपके सामने एक पूरा एक इसी तरह का शो लेके आ रहे हैं, एक यूनिक शो। आप चाहते हो कि हम इस मिशन को लेके आगे चलें, तो आपने कमेंट्स में अपने ओपिनियन बतानी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान। मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। उस्ताद इमरान अशरफ है ना, वो फरमाते हैं आए 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 मजे। हाँ जी हाँ जी, ज्यादा मजे ना सर्दियों में ग्राउंड में होते हैं, वैसे माल रोड पे भी मिल जाते होते हैं। माल रोड कौन सा है यूएम में? आप इतने महीने आपको नहीं पता।
मैं आयजा खान के साथ भी कर सकता हूँ और मायरा खान मजे जी। क्रश हुआ कभी किसी पे इस तरह कोई आया हो तो? ओपन वाला मोल है, आप जितना मर्जी देख लें, वो लड़की ऐसे कितने कितने ग्रुप बैठे हुए हैं। अच्छा। लेकिन इस मोल में भी मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। हाँ। बस बंदा कहाँ पे जाए जी। अच्छा।